भाई और भौनी मनन को मोर नमस्कार। मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का सांसद हूं और बालेश्वर तो शिव धाम के लिए जाना जाता है। बालेश्वर धान पान और मीन की धरती है। यहां का पान भी बालेश्वर और बनारस को जोड़ता है। आज बनारस हो या भद्रक हो या बालेश्वर, एक ही धुन है, एक ही गूंज है। फिर एक बार मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं देख रहा हूं कई लोग कुछ चित्र बना करके लाए हैं भांति भांति के, और हमारा उड़ी आप पीछे वाले नीचे रखो अपना, जरा पुलिस के लोग इसको ले लो सब, या कार्यकर्ता ले लो, नीचे रखो अपना। ये सारे उनके पोस्टर ले जाओ भाई, पीछे लोग परेशान हो रहे हैं। वहां अगर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है तो उन चीजों का उन लेकर के मेरे पास पहुंचा दीजिए। वो लास्ट में जो लेके बैठे हैं व्हाइट पोस्टर, वो चार लड़के बैठे हैं एकदम पीछे, वो जो चश्मे वाला सज्जन खड़ा है उसके पास, वो नहीं। हाँ अब वो भी है, सारे जितने मेरे पास पहुंचा दीजिए भाई। इधर भी कुछ बच्चे हैं जिनके पास कुछ है, जरा इधर देखिए, ये बड़े प्यार से बना करके लाए हैं। मैं आप सबका आभारी हूं आपके इस उत्तम चित्रों के लिए, और जिसके पीछे अपना नाम पता लिखा होगा मैं जरूर उनको धन्यवाद की चिट्ठी भेजूंगा। लेकिन अब बीच में मुझे परेशान मेहनत की होगी, ये प्यार अद्भुत है जी, ये प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। मैं उड़ीसा के लोगों का, यहां के खास करके नौजवानों का, सभी बेटे बेटियों का हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों और बहनों, मोदी की गारंटी पूरे देश का ये अभूतपूर्व भरोसा 10 साल के सशक्त ट्रैक रिकॉर्ड पर है, और हमारा बालासोर तो मिसाइल सिटी है। 10 साल में भारत की मिसाइल पावर कई गुना बड़ी है। आज हम ब्रह्मोस मिसाइल विदेशों को निर्यात करते हैं। हमारा चंद्रयान वहां पहुंचा है जहां कोई नहीं पहुंच पाया। हमने G20 का वैश्विक सम्मेलन सफलता के साथ कराया। हमने कोरोना जैसी
सौ साल की सबसे बड़ी आपदा का सामना किया। आपदा के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था बना। भाइयों और बहनों, 10 साल पहले लोगों को लगता था कि घोटालों को रोकना असंभव था। 10 साल में बिना घोटाले की सरकार मोदी ने चला करके दिखाई है। 10 साल पहले लगता था कि आतंकवाद नहीं थामा जा सकता। हमने देश के बड़े शहरों को बम धमाकों से मुक्त करके दिखाया है। किसी ने सोचा नहीं था कि जम्मू कश्मीर में शांति आएगी। हमने 370 की दीवार गिराई। आज वहां लोकतंत्र का उत्सव मनाया जाता है, रिकॉर्ड मतदान हो रहा है, कोटि कोटि राम भक्त राम काज से जुड़े कार सेवक भी अयोध्या में मंदिर की उम्मीद छोड़ चुके थे। आज 500 साल का इंतजार खत्म हो चुका है। हमारे रामलला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजे हैं। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। ये भगवान राम का मंदिर बना, आप खुश हुए कि नहीं हुए? 500 साल के हमारे सारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? साथियों, समय का अभाव है इसलिए अभी जो मैंने बताया ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। आने वाले 5 साल में विकास और विश्वास एक नई रफ्तार देश को देखने का अवसर मिलेगा। हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का उदय होते दुनिया देखेगी। भाइयों और बहनों, बीते दिनों ओडिशा के करीब करीब हर क्षेत्र में मुझे जाकर के जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला है। और मेरे लिए तो मेरा भारत मेरा परिवार, और इसलिए आज हिंदुस्तान के हर कोने में जाकर के मैं मेरे परिवारजनों के आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मुझे मिला है। और हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। उड़ीसा में मैं जहां जहां गया,
बालेश्वर रेमुणा कार्यक्रम में जोग देती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उपस्थित लोकं संबोधन करुं जार सीधा सड़क चित्र आपण देखिपार्ता सहित बालेश्वर लोकसभा प्रार्थी प्रताप षडंगी एवं समस्त विधानसभा क्षेत्र प्रार्थी आज उपस्थित अच्छा निर्वाचन प्रचार शेष दिन व शेष गस्तल इंजिन सरकार पूरे उड़ीसा में एक ही मत है, एक ही सोच है, ओडिया अस्मिता और ओडिशा के विकास के लिए दुई थरा पद्मा, दुई थरा पद्मा दुई गुना विकास। मेरे साथ बोलेंगे दुई थरा पद्मा, दुई थरा पद्मा, दुई थरा पद्मा। दिल्ली और भुवनेश्वर दोनों जगह जब भाजपा सरकार होगी तो विकास भी तेज होगा। इसलिए इस बार लोकसभा सीट पर बीजेडी उम्मीदवार को लोग वोट देने का नाम नहीं ले रहे। लोगों को लगता है कि बीजेडी वालों को वोट दिया तो बेकार जाएगा और हम उड़ीसा वाले लोग वोट बेकार होने देना नहीं चाहते हैं। लोग कहते हैं कि जिसकी दिल्ली में सरकार बन रही है उसी को वोट देंगे, सही है ना? सही है ना? साथियों, आपने बीजेडी को 25 साल दिए, 25 साल, लेकिन उसने विकास के नाम पर आपके साथ विश्वासघात किया। देश के कितने ही राज्य हैं जो इसलिए समृद्ध है क्योंकि वहां बड़ा समुद्री तट है। क्या ओडिशा में समुद्री तट की कमी है क्या? यहां ओडिशा में तो जहां कदम रखो वहां प्रकृति ही प्रकृति है, प्राकृतिक संपदा है, समृद्धि का भंडार पड़ा है। उड़ीसा सिर्फ इसलिए गरीब है क्योंकि इसको पहले कांग्रेस के नेताओं ने लूटा और फिर 25 साल बीजेडी के नेता लूट रहे हैं। भाइयों और बहनों, ओडिशा में अरे नई इंडस्ट्री तो छोड़िए, पहले जो यहां इंडस्ट्री लगी थी वो भी बंद हो गई। सालों साल यहां सड़कें नहीं बनी, रेल कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी बन ही नहीं पाई। जो काम हुए हैं उनमें से ज्यादा काम बीते 10 साल में भाजपा सरकार ने किए हैं। आपको याद होगा यहां नीलगिरी रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन नहीं चलती थी, तो ये हमारे सारंगी जी को आपने चुना और आज ट्रेन चल रही है। आज उड़ीसा के अनेक रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यहां उड़ीसा में भाजपा का मुख्यमंत्री बनते ही यहां के जो इतने अच्छे बीच है
इनके कायाकल्प करने पर काम शुरू होगा। उड़ीसा में तीर्थ यात्रा और समुद्री पर्यटन की हर संभावनाओं को तलाशा जाएगा, तराशा भी जाएगा। भाइयों और बहनों, बीजेडी सरकार ने हमारे मछुआरे साथियों के लिए भी कुछ नहीं किया। यह मछली का इतना बड़ा मार्केट है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहाल है। मोदी पहली बार पीएम मत्स्य संपदा योजना लेकर आया है। इससे मछुआरों के लिए नाव खड़ा करने की सुविधाएं बन रही हैं, ताकि मछली बर्बाद न हो। और ये भाजपा सरकार है जिसने देश में पहली बार फिशरमैन के लिए, मछुआरों के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाई, अलग मंत्रालय बनाया है। हमने मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया। ये भाजपा सरकार है जिसने मछुआरों का बीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया है। ये भाजपा सरकार है जो मछुआरों की नावों को आधुनिक बनाने के लिए मदद कर रही है। आने वाले 5 साल में हम फिशरीज सेक्टर को और मजबूत बनाने वाले हैं। हम मछली और दूसरे सी फूड के एक्सपोर्ट पर और प्रोसेसिंग पर विशेष बल देने वाले हैं। हम सीवीड और मोती की खेती को बढ़ावा देने वाले हैं। ओडिशा भाजपा ने भी मछुआरों को 10,000 रुपया देने की गारंटी दी है। भाइयों और बहनों, बीजेडी नेताओं के भ्रष्टाचार ने ओडिशा के किसानों को बर्बाद कर दिया। जिन बीजेडी नेताओं के पास कभी साइकिल नहीं थी, आज लंबी लंबी गाड़ियों में टहलते हैं। इन लोगों ने किसानों की सहकारी समितियां में भी घोटाला कर दिया। बीजेडी के नेताओं ने किसानों के नाम पर फर्जीवाड़ा करके लोन ले लिया। लोग कहते हैं इस घोटाले से ही बीजेडी नेता चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब आपके ही पैसे मार लिए। धान मंडी में जाओ, ये लोग आपकी आय में भी कटनी करते हैं, छटनी करते हैं। जो घोषित एमएसपी है वो तक पूरा नहीं देते। भाजपा सरकार ये सारे खेल बंद करेगी। और ओडिशा भाजपा ने गारंटी दी है, धान का एमएसपी 3,100 रुपये क्विंटल दिया जाएगा। कितना जरा आप बताएंगे, मैंने कितना कहा जरा बोलिए, कितना जरा उधर से बोलिए, कितना। क्या आप गांव गांव जाके किसानों को एक बात बताएंगे, हर किसान को बताएंगे, ये मुद्दा उनको तक पहुंचाएंगे? हम 3100 रुपया देंगे, इतना ही नहीं, 48 घंटे में आपका पैसा बैंक खाते में जमा हो जाएगा। साथियों, मोदी की हर गारंटी 100% पहुंचती है। कोई घोटाला नहीं,
कोई बिचौलिया नहीं। यहां किसानों के बैंक खाते में सीधा पैसा आता है, ये मोदी भेजता है। यहां जो गरीबों के पक्के पीएम आवास बने हैं, इसके लिए पैसा मोदी भेजता है। घर घर मुफ्त चावल मिल रहा है, इसका पैसा मोदी भेजता है। इन सारे कामों से सबसे बड़ी चिंता अगर किसी की खत्म हुई है तो ये मेरी माता और बहनों की चिंता खत्म हुई है। अब मोदी की एक और गारंटी है, मोदी तीन करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने जा रहा है। तीन करोड़, हमारे देश में तीन करोड़ दीदी, और वो भी नए लखपति दीदी बनना, मतलब यानी हर साल 1 लाख रुपए से अधिक की आय होगी, ऐसी दीदियां हमारे देश में बनेगी। ओडिशा भाजपा ने सुभद्रा योजना के तहत बहनों को आर्थिक मदद देने की शानदार गारंटी दी है, इससे भी बहनों को बहुत मदद मिलेगी। साथियों, आज उड़ीसा के लोगों के सामने मैं एक संवेदनशील मुद्दा उठा रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे गंभीरता से सुने और समझे। ये विषय नवीन बाबू की तबीयत से जुड़ा है। आज नवीन बाबू के शुभचिंतक ये देखकर परेशान है कि पिछले 1 साल में नवीन बाबू की तबीयत लगातार गिरती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। जो लोग बरसों से नवीन बाबू के साथ रहे हैं वो बताते हैं कि अब नवीन बाबू अपने आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोग ये भी आशंका जताते हैं कि नवीन बाबू की तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। ये लोगों की आशंका है तो आप मुझे बताइए, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सारी सच्चाई सामने आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? और इसलिए 10 जून को जब बीजेपी की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, और उड़िया मुट्ठी में से निकला कोई बेटा या बेटी 10 जून को शपथ लेने वाला है। सरकार बीजेपी की बनने वाली है, भाजपा की बनने वाली है, और भाजपा की सरकार बनने के बाद एक स्पेशल कमेटी गठित की जाएगी। ये कमेटी जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत 1 साल में ऐसे कैसे गिर गई, ऐसी खराब कैसे हो गई, और जांच कर करके सारी सच्चाई देश और उड़ीसा के लोगों के सामने लाएगी। भाइयों और बहनों, 4 जून को बीजेडी की विदाई तय है, 10 जून को यहां भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेगा,
और मैं आप सबको निमंत्रण देने आया हूं। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार बनने के बाद पिछले 25 साल में यहां जो जो घोटाले हुए हैं, उसके पहले कांग्रेस ने जो जो घोटाले किए हैं, हर एक का कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा, जांच की जाएगी, किसने लूटा है, कहां से लूटा है, कब लूटा है, ये सारा का सारा निकाला जाएगा। और ये मोदी की गारंटी है। भ्रष्टाचारियों से पाई पाई वसूली जाएगी और ये मोदी की गारंटी, समझिए, जिसका लूटा है उसको लौटाया जाएगा। आपकी हर आकांक्षा पूरी हो उसके लिए भाजपा के हमारे जितने भी असेंबली के लिए उम्मीदवार खड़े हैं, उनको एमएलए बनाकर भुवनेश्वर भेजना है। जो एमएलए के कैंडिडेट है, एमएलए के कैंडिडेट जरा आगे आ जाए, एमएलए के सारे कैंडिडेट आगे आ जाए। आप यहीं रुकिए, आप भद्रक से हमारे साथी अभिमन्यु सेठी जी, उनको भी संसद भेजना है। अभिमन्यु जी आइए, अभिमन्यु सेठी जी हमारे लोकसभा के उम्मीदवार हैं, जो दिल्ली में आकर के मुझे मजबूत करेंगे। और हमारे सबके प्रिय पुराने साथी श्री प्रताप सारंगी जी के परिश्रम और उनकी निष्ठा को फिर सम्मान देना है। मैं जरा एक मिनट इन सब हमारे उम्मीदवारों के बीच जाकर के फोटो निकाल करके वापिस आकर के भाषण शुरू करूंगा। साथियों, हमारे इन सभी उम्मीदवारों को कमल के निशान पर बटन दबाकर रिकॉर्ड वोटों से विजयी बनाना है। जो भुवनेश्वर जीत करके जाएंगे वो उड़ीसा का भाग्य बदलेंगे, जो दिल्ली जीत करके आएंगे वो उड़ीसा का भी भाग्य बदलेंगे, देश का भी भाग्य बदलेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, हर पोलिंग बूथ में जिताएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, कमाल के लोगों भाई, जब मैंने इन लोगों के लिए कहा तो आप तो बड़े उछल उछल करके कह रहे थे कहा करेंगे। मैंने जब कहा मेरा काम करेंगे तो आप ठंडे पड़ गए। मेरा काम करेंगे, ये चुनाव वाला काम नहीं है, करेंगे, पक्का करेंगे, भरोसा करूं, आपकी गारंटी। अच्छा, एक काम करना, हमारे यहां शहर में, हर इलाके में, गांव में, हर गांव में कोई न कोई देवस्थान होता है, कोई तीर्थ स्थान होता है, जहां लोग जाते हैं, अच्छे अवसर पर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, परमात्मा से कुछ मांगते हैं। मेरा एक काम करना है, यहां से जाने के बाद ऐसे सभी देवस्थान पर जाना, वहां माथा टेकना,
मोदी की तरफ से माथा टेकना है, टेकेंगे, मोदी की तरफ से वहां प्रणाम करेंगे, और मेरे लिए कुछ भी नहीं मांगना है, जाएंगे ना, मेरे लिए कुछ भी नहीं मांगना है, मेरे परिवार के लिए भी नहीं मांगना है, भारत विकसित बने इसलिए आशीर्वाद मांगना है, मांगेंगे, विकसित भारत के लिए आशीर्वाद मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बालेश्वर रेमुना कार्यक्रम उपस्थित जनसाधारण को उद्बोधन दौले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जार सीधा सड़ख चित्र आपने देखुले, सहित भारतीय जनता पार्टी समस्त प्रार्थी को जितवापी आह्वान देती प्रधानमंत्री। वर्तमान मंच में आपड़ देखुं बालेश्वर लोकसभा क्षेत्र समस्त विधानसभा प्रार्थी, ता सहित सांसद प्रार्थी प्रताप षड़ंगी उपस्थित अच्छा।